दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, खेल मंत्रालय ने खत्म कर दी WFI की मान्यता। तो संजय सिंह बोले, ब्रजभूषण और साक्षी मलिक दोनों ले चुके हैं संन्यास, ऐसे में दोनों लोग शांति से संघ को चलने दें। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्रालय ने WFI को निलंबित कर दिया है। इसको लेकर संजय सिंह ने कहा कि जब नया महासंघ बना था तो ब्रजभूषण शरण सिंह को विदा दिया गया था और साक्षी मलिक ने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी, ऐसे में दोनों लोग शांति से संघ को चलने दें। संजय सिंह ने न्यूज एजेंसी NI से बातचीत करते हुए कहा कि वे दोनों रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए अब दोनों को महासंघ को शांति से चलने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह और मैं अलग अलग समुदाय से हैं, तो हम रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं। जब वो महासंघ के अध्यक्ष थे तो मैं संयुक्त सचिव था, ऐसे में उस समय हमारे बीच में एक रिश्ता और दोस्ती थी। गौरतलब है कि संजय सिंह को हाल ही में WFI के चुनाव में जीत के बाद महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि खेल मंत्रालय ने इन चुनावों को रद्द कर दिया है, साथ ही नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया है। इस चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह WFI के अध्यक्ष चुने गए थे, फिलहाल उन्हें खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। अगली बड़ी खबर, WFI की मान्यता रद्द होने पर साक्षी मलिक ने दिया बड़ा बयान। बोली, हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं थी बल्कि हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। दरअसल केंद्र खेल मंत्रालय ने रविवार को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI की नई संस्था की मान्यता रद्द कर दी, जिसके बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि मुझे ये जानकारी मीडिया के माध्यम से ही पता चली है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है और न ही आगे रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी, हमारी लड़ाई सिर्फ महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो नई लड़कियां हैं उनके लिए थी। उन्होंने कहा कि मैंने संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आने वाले पहलवानों को न्याय मिले। संन्यास वापस लेने वाले सवाल पर साक्षी मलिक ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले उन्होंने WFI के निलंबन पर कहा कि ये पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है, हम शुरू से ही कह रहे थे कि ये बहन बेटियों की लड़ाई है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। साक्षी मलिक ने कहा कि ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, हम चाहते हैं कि एक महिला WFI की अध्यक्ष बने। अगली बड़ी खबर, WFI की मान्यता खत्म होने पर बजरंग पुनिया ने दिया बड़ा बयान। बोले, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक वापस नहीं लूंगा पद्मश्री। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI की मान्यता रद्द होने के बाद दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता वो पद्मश्री पुरस्कार वापस नहीं लेंगे। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक बजरंग पुनिया ने कहा कि मैं पद्मश्री वापस नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने के बाद ही मैं इसके बारे में सोचूंगा। उन्होंने कहा कि कोई भी पुरस्कार हमारी बहनों के सम्मान से बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलने के बाद मैं फैसला करूंगा कि पद्मश्री वापस लेना है या नहीं। अगली बड़ी खबर, TMC नेता कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से उतारी उपराष्ट्रपति की नकल। बोले, मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार है। दरअसल TMC नेता कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कल्याण बनर्जी ने कहा कि ऐसा करना उनका मौलिक अधिकार है। पश्चिम बंगाल के हुगली में रविवार को कल्याण बनर्जी ने कहा कि मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार है। उपराष्ट्रपति की नकल उतारते हुए उन्होंने कहा कि मैं बार बार नकल उतारूंगा। हाल ही में संपन्न हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कई सांसदों को अमर्यादित व्यवहार के कारण दोनों सदनों से निलंबित कर दिया गया था। निलंबित सांसदों में कल्याण बनर्जी भी शामिल थे। निलंबित सांसदों ने संसद परिसर के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया था। 19 दिसंबर को कल्याण बनर्जी विरोध प्रदर्शन के दौरान उपराष्ट्रपति की नकल उतारते हुए दिखाई दिए थे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस दौरान कल्याण बनर्जी का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते दिखे थे। इसके बाद काफी विवाद हुआ, जिसके बाद कल्याण बनर्जी ने फिर से राष्ट्रपति की नकल उतारी है और कहा कि ऐसा करना मेरा मौलिक अधिकार है। अगली बड़ी खबर, WFI पर सख्त एक्शन के बाद सरकार ने दिया सख्त आदेश। कहा, कुश्ती फेडरेशन के लिए तुरंत पैनल बनाए भारतीय ओलंपिक संघ। दरअसल खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ से भारतीय कुश्ती महासंघ को चलाने के लिए एक अस्थायी पैनल बनाने के लिए कहा है। नवगठित भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित करने के कुछ ही घंटों के बाद केंद्र सरकार ने यह आदेश दिया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया है जब WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह और पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ की निकटता को लेकर सवाल उठाए गए थे। आपको बता दें कि फिलहाल खेल मंत्रालय ने WFI को रद्द कर दिया है, जिसके बाद सरकार ने ओलंपिक संघ को आदेश दिया है कि वो फेडरेशन को चलाने के लिए तुरंत पैनल बनाए। आपको बता दें कि फिलहाल ये पैनल 24 घंटे के अंदर बना दिया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, WFI के निलंबन पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले, सरकार के फैसले पर चुने हुए लोग लेंगे निर्णय, मैं कुश्ती से संन्यास ले चुका हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन को लेकर खेल मंत्रालय के फैसले के बाद पहली बार ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि निलंबन के फैसले पर संघ के चुने हुए लोग फैसला लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कुश्ती से संन्यास ले चुका हूं, मेरे पास और भी कई काम है, मेरा अब इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि नए फेडरेशन को कोर्ट जाना है या क्या करना है, ये उनका पूरे तरीके से अपना फैसला होगा। अगली बड़ी खबर, टॉयलेट साफ करते हैं बिहारी। दयानिधि मारन के विवादित बयान पर भड़क गए तेजस्वी यादव। दरअसल DMK सांसद दयानिधि मारन के UP और बिहार के लोगों को दिए गए विवादित बयान पर बिहार के DCM तेजस्वी यादव की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने DMK सांसद के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी के मजदूरों की मांग कई राज्यों में होती है, दूसरे राज्यों में बिहार और यूपी के मजदूर ना जाएं तो उनकी जिंदगी ठप हो जाएगी, ये बात लोगों को समझना चाहिए। बता दें कि दयानिधि मारन ने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग तमिलनाडु में आते हैं और यहां पर टॉयलेट साफ करते हैं, कंस्ट्रक्शन और मजदूर का काम करते हैं और सड़कों की सफाई करते हैं तथा शौचालयों की सफाई करते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि करुणानिधि की पार्टी DMK जो है वो सामाजिक न्याय की पार्टी है, लेकिन उनके दल के लोगों ने बिहार और यूपी के लोगों को लेकर इस तरीके की बातें कही हैं तो बहुत निंदा करने वाली बात है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरीके के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को बचना चाहिए। हम लोग हर किसी का सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं कि अन्य राज्यों के लोग भी यूपी और बिहार के लोगों का सम्मान करें। अगली बड़ी खबर, यूपी और बिहार के लोगों पर बयान देकर कानूनी पेच में फंसे दयानिधि मारन, कांग्रेस पार्टी ने भेज दिया लीगल नोटिस। दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर DMK सांसद दयानिधि मारन कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। उनके बयान को लेकर लीगल नोटिस भेज दिया गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य डॉक्टर चंद्रका प्रसाद यादव ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। DMK सांसद ने कहा कि हिंदी पढ़ने वाले बिहार उत्तर प्रदेश के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट और सड़कें साफ करते हैं तो अंग्रेजी पढ़ने वाले IT कंपनियों में अच्छे पैकेज पर नौकरी करते हैं। दयानिधि मारन का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने DMK सांसद को लीगल नोटिस जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, सिद्धारमैया ने हिजाब से प्रतिबंध हटाने के ऐलान के बाद मारा यू टर्न। बोले, कर्नाटक में अभी हिजाब पर लगा रहेगा प्रतिबंध। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया है कि कर्नाटक सरकार ने पिछली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य पर लगाए गए हिजाब प्रतिबंध को वापस नहीं लिया है। सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने पर विचार ही कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी स्तर पर चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। सिद्धारमैया ने कहा कि हमने अभी तक हिजाब प्रतिबंध हटाने का फैसला नहीं किया है। किसी ने मुझसे इस मुद्दे पर सवाल पूछा था, मैंने जवाब में कहा था कि सरकार इसे रद्द करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि यह स्पष्टीकरण सिद्धारमैया के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम उस फैसले को वापस लेंगे, अब हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है, महिलाएं हिजाब पहनकर बाहर निकल सकती हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने अधिकारियों से पिछली सरकार के आदेश को वापस लेने को कहा है। कपड़े पहनना और खाना व्यक्तिगत पसंद है, मुझे क्यों आपत्ति होनी चाहिए, जो चाहे पहनो जो चाहे खाओ मुझे क्यों परवाह। हमें वोट पाने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए, हम ऐसा नहीं करते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल सिद्धारमैया ने हिजाब से बैन हटाने का आदेश दिया था जिसके बाद अब उन्हीं को कहना पड़ा कि फिलहाल हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाएगी BJP, विपक्ष को भी बेनकाब करने की बड़ी तैयारी। दरअसल लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के अभियान के केंद्र में इस बार राम मंदिर बड़े मुद्दे के रूप में रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के अभियान के साथ जुड़कर ऐसे पार्टी न केवल देश भर में ले जाएगी बल्कि इससे नए मतदाताओं को भी जोड़ेगी। इस दौरान वो विपक्ष को भी बेनकाब करेगी। मिशन 2024 के लिए 1 जनवरी से ही भाजपा का बहुस्तरीय अभियान शुरू हो जाएगा। इसमें उसके सभी
सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए मंत्र के बाद दूसरे व आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी हुंकार भरी और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, इस चुनाव को हैट्रिक के साथ बड़े अंतर से जीतना है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इतनी बड़ी जीत हासिल करनी है कि विपक्ष हमारे सामने खड़ा होने में भी 10 बार सोचे। बैठक के दौरान राम मंदिर पर एक अलग से सत्र हुआ है, इसमें राम मंदिर को लेकर पार्टी ने जो प्रयास किए हैं उनकी जानकारी दी और इस समय सरकार क्या क्या काम कर रही है उसकी भी जानकारी दी गई। पार्टी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जो आयोजन कर रही हैं उनमें पूरे तरीके से सहभागिता करनी है। भाजपा राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर 1 जनवरी से पूरे देश भर में कार्यक्रम करेगी, करीब 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान भाजपा विपक्ष के राम मंदिर निर्माण को रोकने के लिए जो जो रोड़े अटकाए गए उनको भी जनता को बताएगी। राम मंदिर अभियान से जुड़ी एक बुकलेट भी तैयार होगी जो जनता के बीच में पहुंचाई जाएगी। बैठक में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को बड़ा व भव्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उद्घाटन से पहले देश को राममय किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता गांव गांव घर घर तक जाएंगे। 1 जनवरी से पार्टी कार्यकर्ता गांव गांव जाकर अक्षत बांटने, मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करवाने, मंदिरों में दीप जलवाने जैसे कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। यानी भाजपा ने 2024 में बड़ी जीत हासिल करने के लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आली बड़ी खबर, बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में पूरा विपक्ष, बीजेपी ने भी ढूंढ ली काट, बनाई खास रणनीति। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब महज कुछ ही महीने बचे हैं। मई के आखिरी में नतीजे आते ही पता चल जाएगा कि देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस जेडीयू समेत 28 विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं और इंडिया नामक गठबंधन बनाया है। इंडिया गठबंधन देश की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट के सामने एक साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष की इस रणनीति का बीजेपी ने काट ढूंढ लिया है। दरअसल आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 50% वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार इसके साथ ही पार्टी 15 जनवरी के बाद क्लस्टर बैठकें शुरू करेगी और युवा मोर्चा देश भर में 5,000 सम्मेलन करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही पार्टी नए मतदाताओं से जुड़ने के लिए देश भर में अभियान चलाएगी। नए मतदाताओं से जुड़ने के लिए बीजेपी बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में लोकसभा चुनाव में बंपर जीत का अंतर सुनिश्चित करने को कहा है। देश भर की लोकसभाओं को क्लस्टर में बांटकर क्लस्टर बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन समूहों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष JP Nadda जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने विपक्ष के साझा उम्मीदवार की काट ढूंढ ली है। अब बीजेपी लगभग पूरे देश में 5,000 से भी ज्यादा सम्मेलन आयोजित करेगी। अगली बड़ी खबर, होम लोन घोटाले में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक दरबार को मिली 1 साल की सजा, 23 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। दरअसल मध्य प्रदेश के महू से कांग्रेस के कई बार विधायक रहे अंतर सिंह दरबार मुश्किलों में घिर गए हैं। इंदौर प्रीमियम कोऑपरेटिव बैंक में गृह लोन घोटाले के मामले में जिला न्यायालय ने अंतर सिंह दरबार सहित 10 आरोपियों को अलग अलग सजा सुनाई है। दरबार को 120B के अपराध में 1 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दरबार पर 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे नहीं भरने पर सजा 3 महीने के लिए और बढ़ा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आज होगा कैबिनेट विस्तार, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नाम कर दिए फाइनल, 15 से 18 मंत्री हो सकते हैं शामिल। दरअसल मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP Nadda के नेतृत्व में हम डबल इंजन सरकार के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश के विकास की शपथ लेंगे। मोहन यादव ने 2 दिनों तक दिल्ली में ही डेरा डाले रखा और बीजेपी के तमाम से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इसी दौरान पार्टी आलाकमान की ओर से कैबिनेट के चेहरों पर भी मुहर लगी है। वहीं सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि जिनको मंत्री बनाया जाएगा उनके नाम तय हो गए हैं। भाजपा नेतृत्व कैबिनेट में नए चेहरों को मौका देकर सबको चौंका सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि मोहन यादव की कैबिनेट में नए और पुराने चेहरों के बीच तालमेल नजर आएगा। आपको बता दें कि कैबिनेट में कम से कम 15 से 18 मंत्री शामिल होंगे।
अगली बड़ी खबर सीट शेयरिंग पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले इंडिया गठबंधन के फैसले का स्वागत करेगी हमारी पार्टी। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच में सीट शेयरिंग फार्मूला तय करने को लेकर मुहिम काफी तेज हो गई है। विपक्षी गठबंधन के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के फैसले का पालन करेगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी इंडिया गठबंधन फैसला लेगा वो हमारी पार्टी के लिए मंजूर होगा। अगली बड़ी खबर WFI की मान्यता खत्म होने पर संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान, बोले PM मोदी और खेल मंत्री से करूंगा बात। दरअसल WFI के अध्यक्ष पद से सस्पेंड हो चुके संजय सिंह मामले में हार मानते नजर नहीं आ रहे। अब इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से वो बातचीत करेंगे। इस संबंध में संजय सिंह ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। न्यूज एजेंसी NI से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि जो बच्चे इस खेल को अपना रहे हैं उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, ऐसे में फेडरेशन सरकार से बात करेगी। संजय सिंह ने कहा कि हम केंद्र सरकार से बात करेंगे, हम PM मोदी और खेल मंत्री से भी बात करेंगे, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यकारी समिति के कुछ सदस्य जाकर दोनों नेताओं के सामने अपनी बात रखेंगे। इससे पहले संजय सिंह ने ब्रजभूषण शरण सिंह और साक्षी मलिक को लेकर कहा कि दोनों रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें चाहिए कि वे कुश्ती महासंघ को शांति से चलने दें क्योंकि कुश्ती बंद हो गई है। बड़ी बड़ी खबर आंध्र प्रदेश में BJP के दोनों हाथों में लड्डू, चंद्रबाबू नायडू ही नहीं बल्कि जगनमोहन रेड्डी भी बनना चाहते हैं NDA का हिस्सा। दरअसल पिछले लोकसभा चुनावों में आंध्र प्रदेश में 1% से भी कम वोट पाने वाली BJP 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में खुद को काफी अच्छी स्थिति में पा रही है। इसकी वजह यह है कि राज्य के दोनों मुख्य क्षेत्रीय दल TDP और YSR कांग्रेस BJP को अपने पक्ष में रखने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ऐसे में BJP राज्य में गठबंधन करने या ना करने को लेकर पसोपेश में है। दोनों क्षेत्रीय दलों के सूत्रों ने कहा कि N चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP जहां BJP के साथ गठबंधन करना चाहती है, तो वहीं राज्य की सत्तारूढ़ YSR कांग्रेस चाहती है कि BJP 2019 के चुनाव की तरह आगामी आम चुनाव में भी अकेले उतरे। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों और ईसाइयों के अल्पसंख्यक वोटों को YSR कांग्रेस के ठोस आधार के रूप में देखा जाता है। इसके नेताओं मानना है कि BJP के साथ में चुनावी गठबंधन उनकी पार्टी के लिए उपयुक्त नहीं होगा। हालांकि उन्होंने अपने निर्विवाद समर्थन को रेखांकित करने के लिए संसद में PM नरेंद्र मोदी सरकार के एजेंडे का समर्थन किया है। आपको बता दें कि फिलहाल आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी दोनों ही BJP से गठबंधन करना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर भगवत गीता पर बंगाल में हो गई महाभारत, TMC और भाजपा में छिड़ गई जुबानी जंग, ब्रिगेड परेड मैदान में जुटे लाखों लोग। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रविवार को भगवत गीता के पाठ को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई। भाजपा ने जहां पर हिंदू एकता का आह्वान किया तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का कथित राजनीतिकरण करने पर उसकी आलोचना की। यहां ब्रिगेड परेड मैदान में लगभग अलग अलग पृष्ठभूमि करीब 1,00,000 लोगों ने सामूहिक रूप से भगवत गीता का पाठ किया। विभिन्न उम्र और सामाजिक वर्ग के प्रतिभागियों ने संतों के साथ में इस श्लोकों का पाठन किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बंगाल की भाजपा इकाई और RSS के कई बड़े नेताओं ने भाग लिया। आयोजकों ने दावा किया कि कार्यक्रम के लिए लगभग 1,20,000 लोगों ने पंजीकरण कराया था। दावा किया गया है कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इसके बावजूद कार्यक्रम को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि भगवत गीता दुनिया के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है। जो लोग इस कार्यक्रम का मजाक बना रहे हैं उनके मन में हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं के प्रति कोई भी सम्मान नहीं है। जो लोग हिंदुओं को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं वे अपने प्रयासों में विफल होंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।